सो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? मैं हूं आप सबका अपना राजा रे, और आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 11 बुक से इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। आज हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। सो सबसे पहले मैंने यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स का डिफाइन तो दे दिया, डेफिनेशन थोड़ा सा दे दिया है कुछ 3-4 लाइन में। सो एक बार पढ़ लेते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच डील्स विद द इकोनॉमिक इशू एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स वो ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है, वो आपका डाली है इकोनॉमिक्स का, जो डील्स विद द इकोनॉमिक इशू, मतलब जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को आपका एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल में देखा जाता है। मतलब आपका इकोनॉमिक जो भी जितना भी प्रॉब्लम होता है उसको इंडिविजुअल लेवल में देखते हैं। क्लास 12 में आपको मिलेगा मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि होता है आपका पूरा नेशनल इनकम, वो सब से रिलेटेड होता है। और आपको ये माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब जो इंडिविजुअल, एग्जांपल आपका एन इंडिविजुअल पर्सन, एन इंडिविजुअल फार्म आउटपुट, जब किसी एक आदमी को डिफाइन कर देता है, या फिर कुछ अगर एक फार्म को डिफाइन कर देता है, उसका प्रॉब्लम को डिफाइन कर देता है, या फिर कुछ भी जो कि इंडिविजुअल से रिलेटेड होता है, वो आता है आपका किस में? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। मतलब वो इशू से रिलेटेड होता है जो कि एक इंडिविजुअल से होता है, ठीक है जी। सो नेक्स्ट मैं आपको ये बताना चाहूँगा इकोनॉमी। ये बेसिकली इसका इंट्रोडक्शन में तो आता नहीं है, बट फिर भी आप जान लीजिए। ये आपका मान लीजिए कि बोनस, इकोनॉमी, सॉरी मेरा हैंडराइटिंग कुछ खराब, बहुत ख़राब है मानता हूँ, बट क्या करूँ, ठीक तो होता नहीं है, बहुत कोशिश किया मैंने। आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा, इसलिए मैं हर चीज़ को बार बार बोल बोल के समझाने की कोशिश करता हूँ। सो एन इकोनॉमी इज ए सिस्टम इन which and by which people get a living to satisfy their wants through the process of production, कोई सामान को प्रोड्यूस करना, कंजम्पशन, कोई सामान को यूज़ करना, इन्वेस्टमेंट कहीं पे पैसा लगाना, या फिर आपका एक्सचेंज, कोई सामान का बदले कोई सामान एक्सचेंज किया जाता है। सो इकोनॉमी का मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिख दिया, सो मैं एक बार पढ़ के सुनाना चाहूँगा। An economy is a system in which and by which people get a living to satisfy their wants through the process of production, consumption, investment and exchange. मतलब economy एक ऐसा system है in which and by which, मतलब वहाँ पर people get a living to satisfy their wants. Economic में ऐसा system है जहाँ पर people अपना, मतलब इंसान अपना सेटिस्फाई, अपना वांट्स एंड नीड्स को सेटिस्फाई करता है, क्या से? प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, या तो प्रोड्यूस करके, या तो कंजम्पशन, कंज्यूम करके, या फिर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब जैसे आपका कुछ चीज़ में इन्वेस्ट कर दे तो वहाँ तो आपका प्रॉफिट आता है, तो उससे या तो सेटिस्फाई होता है, या फिर लास्ट होता है एक्सचेंज से, आपका गुड्स का बदले गुड्स, या तो आपका गुड्स का बदले पैसा, वहाँ से आपका सेटिस्फेक्शन होता है, आपका वांट्स, आपका नीड्स, ठीक है ना जी। सो आपका बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा प्रोडक्शन, आपका ये जो चार पन है, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड एक्सचेंज को थोड़ा सा और बताना चाहूँगा एलेबोरेट करके।
प्रोडक्शन। छोटे से शब्द में बोलना चाहूंगा मैं इसे, इट इज ए क्रिएशन ऑफ ब्यूटिविटी, इट रेफर्स टू क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। सेकेंड आता है आपका कंजम्पशन। इट इज अ प्रोसेस बाय व्हिच अ गुड इज कंप्लीटली यूज्ड अप, मतलब पूरा तरह से यूज कर ले जाते हैं, या फिर और ट्रांसफॉर्म इनटू समथिंग एल्स। मैं आपको ये वीडियो के एंड में समझा दूंगा, पहले आप इसको लिख लीजिएगा। इन्वेस्टमेंट थर्ड पॉइंट जो है, इट इज दैट पार्ट ऑफ प्रोडक्शन, पार्ट ऑफ प्रोडक्शन विच कमिटेड विच कमिटेड फॉर अर्निंग फ्यूचर इनकम। और नंबर फोर्थ पॉइंट से एक्सचेंज, इट मीन्स the process by which ownership is transferred transfer from seller to buyer for a consideration। इसका थोड़ा सा अच्छा से बताना चाहूँगा। प्रोडक्शन क्योंकि पहला पॉइंट, इट रेफर्स टू द क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब जो आपका प्रोडक्ट को, जो आपका वन सेटिस्फेक्शन पावर ऑफ ए प्रोडक्ट, मतलब आपका जो भी सामान प्रोड्यूस करना आपके लिए, जो आपको चाहिए नीड्स होता है, उसी को बोलते हैं प्रोडक्शन।
मतलब कुछ भी आपका सेमी फिनिश गुड्स या फिर फिनिश गुड्स से आपका चेंज कर देता है, उसको आपका न्यू चीज़ बना देने के लिए यूज़ होता है। एग्जांपल मान लीजिए आपका वुडन वुड से आपको क्या मिलता है, आपका स्कूल में बैठने के लिए सीट, वो सभी है। नेक्स्ट आता है आपका कंजम्पशन, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच ए गुड इज़ कम्प्लीटली यूज अप और ट्रांसफर इनटू समथिंग एल्स। मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर गुड जो कि कोई भी प्रोडक्ट मान लीजिए वो कम्प्लीटली यूज हो जाता है या फिर ट्रांसफॉर्म इनटू समथिंग एल्स या फिर इसको ट्रांसफॉर्म करके कुछ नया चीज़ बना देते हैं। और थर्ड पॉइंट है आपका इन्वेस्टमेंट, इट इज़ दैट पार्ट ऑफ प्रोडक्शन विच इज़ कमिटेड फॉर अर्निंग फ्यूचर इनकम। इट इज़ दैट पार्ट ऑफ प्रोडक्शन विच कमिटेड फॉर अर्निंग फ्यूचर इनकम, मतलब ये एक वो पार्ट ऑफ प्रोडक्शन है, वो मतलब वो इन्वेस्टमेंट, वो आपका पैसा लगाने वाला पार्ट होता है जिससे आपका फ्यूचर में आपका इनकम में एक्सपेक्ट करता है। जैसे अभी आप किसी चीज़ में अगर बिजनेस में 10,000 लगाएगा तो फ्यूचर में आपको मिलेगा उसका, तो उसका अर्निंग जो मिलता है वो आपका जो अभी जो 10,000 लगाता है वो आपका इन्वेस्टमेंट होता है बिजनेस पे जो पैसा लगाना है, मतलब जो फ्यूचर में आता है उसके लिए अभी पैसा लगाने वाला। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट है आपका एक्सचेंज, इट मींस द प्रोसेस बाय विच ओनरशिप इज ट्रांसफर फ्रॉम सेलर टू बायर फॉर ए कंसिड्रेशन। मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर ओनरशिप मतलब जो आपका गुड्स है वो ट्रांसफ़र हो जाता है, कहाँ से, सेलर टू बायर। जैसे एग्जांपल आप अगर कुछ बुक मान लीजिए, बुक से क्या बोलते हैं आपका बुक स्टोर में जाएगा तो आप क्या लेगा, बुक, और उनको क्या देगा, पैसा, वही होता है आपका एक्सचेंज। आपने क्या लिया, बुक लिया और क्या दिया उन्हें, पैसा, तो वो एक कंसिडरेशन होता है। और आपका जो बुक का जो था वो ओनरशिप सेलर से आप किसका पास आ गया, अभी आप हो गया उसका ओनर जो ट्रांसफ़र हो गया, इसको बोलते हैं एक्सचेंज, ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाना सेलर से किसका पास, बायर का, फॉर ए कंसिडरेशन, मतलब पैसा कहते हैं, पैसा की वजह से। सो आज का वीडियो इतना देखिए था इंट्रोडक्शन मैक्रो इकोनॉमिक्स में। सो आई होप आपको अच्छा लगने से प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल कॉमर्स बाबा जूनियर। और दोस्तों प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो से कुछ भी अगर मदद मिले तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सा चैप्टर में या फिर कौन सा बुक से चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं, मैं वही पॉइंट में वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।